सुरेन जी, आपने सुना होगा किस तरीके से बारा की बेटी अपनी आपबीती सुना रही है। वो कह रही है कि उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। एसएचओ के दर पर एक महीने तक पहले परिवार जाके दरवाजा खटखटाता रहा कि उसकी बेटी मिसिंग है, एफआईआर नहीं की गई। एफआईआर जब होती है तो फिर उसके बाद भी रेप के एफआईआर के लिए दर्जनों बार वहां पर पहुंचना पड़ता है। क्या बेटियां राज्य से निर्धारित होंगी, किस राज्य की सरकार चल रही है उससे निर्धारित होंगी, या फिर प्रशासन सब जगह एक जैसे ही काम करता है लेकिन आपको दिखाई नहीं पड़ता? नावेद भाई, मैं बहुत स्तब्ध हूँ, दुखी। ये बातें बहुत ही ज्यादा जिसको कहा जाए पीड़ा देती हैं। और सच बात ये है कि जिस तरीके से हाथरस की बेटी के न्याय की बात आ रही है, उसी तरीके से राजस्थान में अगर कोई भी अन्याय हुआ है, किसी भी तरीके का अन्याय हुआ है, तो उसकी बेटी की आवाज भी उसी तरीके से उठनी चाहिए। और अगर कौन उठाएगा सत्ता, सुरेंद्र जी, कौन उठाएगा? कांग्रेस अगर उठा रही है, कांग्रेस के सारे नेता, राहुल गांधी और प्रियंका अगर हाथरस तक पहुंच जाते हैं तो इस मामले पर एक बयान, एक ट्वीट तक क्यों नहीं आता है? क्या राजस्थान की बेटी आपकी अपनी बेटी नहीं है? नावेद भाई, आप लोग अगर एजेंडे की बात करते हैं तो मैं उस हिसाब से जवाब दूं। नहीं, एजेंडा किसका है सर? क्या पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा है? क्या कांग्रेस को एजेंडा सूट करता है? पहले नहीं, एजेंडा बताइए ना सर, कांग्रेस का एजेंडा है ये? नहीं, कि राजस्थान की बेटी बेटी नहीं है, उत्तर प्रदेश की बेटी बेटी है। वोट बैंक देखेंगे आप रेप में भी? आप हमें जवाब देने देंगे या अपनी बात? अगर आपको अपनी बात कहनी है तो मैं सर, आप बात ही तो नहीं कह रहे ना? आप यहाँ पर पीसी करने नहीं बैठे ना सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं बैठे आप? नहीं तो आप भी यहाँ पर अपना भाषण देने तो नहीं बैठे हैं ना नावेद जी? सर, आपसे सीधा सा सवाल है, उत्तर प्रदेश की बेटी अगर बेटी दिखती है, राहुल और प्रियंका जाते हैं तो राजस्थान के बारा पर अभी तक चुप्पी क्यों है? मैं आपको वही सीधा जवाब दे रहा हूँ, सुनने का धैर्य रखिए। चलिए सर, मैं धैर्य रखता हूँ, मैं आपको पूरे 30 सेकंड देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आवाज आपके हुक्मरानों तक पहुंचेगी जरूर जी। और अगर आप धैर्य नहीं रख सकते हैं तो भी मुझे बता दे। सर, बात कंप्लीट कीजिए, जल्दी कीजिए जी। हाँ, मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ। दो चीजें मैं बड़ी स्पष्ट कह दूं, अन्याय कहीं पर भी हो उसका प्रतिकार होना चाहिए। और अगर जिस तरीके से राजस्थान में अगर कोई अन्याय हुआ है, जिस तरीके से हाथरस में हुआ है, तो निश्चित तौर पर पूरे प्रतिपक्ष को, पूरे मीडिया को उस बात को उठाना चाहिए, मजबूती से उठाना चाहिए, और उतनी मजबूती से उठाना चाहिए कि हुक्मरानों के कान खुलें, चाहे वो सरकार हमारी हो चाहे वो सरकार भाजपा की हो, हुक्मरानों के कान जरूर खुलने चाहिए। और मेरा आपसे एक ही विनम्र अनुरोध है कि सच का साथ दीजिए, सरकार हमारी हो या भाजपा की हो, अगर हमारे मुख्यमंत्री के कान नहीं खुल रहे तो उनके कानों में भी इतने ही जोर का आप शोर कीजिए जितना हाथरस में किया है। सच बात यह है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी को दोषारोपित करने की जगह एक बार जरूर दोषारोपित कीजिए, क्योंकि प्रतिस्थान में सरकार हम है और प्रतिपक्ष के लोग हमारे कान फोड़े, हमारा विरोध करें, और कोई धारा 144 नहीं लागू है, कोई वहां का अधिकारी आपको नहीं रोक रहा है, तो निश्चित तौर पर अगर हमने कुछ गलत किया होगा तो जनता हमारे खिलाफ खड़ी होगी। चलिए सुरेंद्र जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं आप ये, लेकिन आलोक अवस्थी जी भी जुड़े हैं, उनसे मैं रिएक्शन चाहूंगा। और ये भी जानना चाहूंगा आपसे कि क्या आप अपील करेंगे न्यूज नेशन के चैनल पर सीएम गहलोत से कि वो इस मामले में खुद इंटरवीन करें। हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या 12 मामले में सीबीआई जांच की पैरवी करेगी कांग्रेस।